ओके सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में हम करने वाले हैं गाइस रिपब्लिक डे स्पेशल फोटो एडिटिंग। जैसा कि गाइस आपने थंबनेल में देखा ही होगा। सो गाइस, इस वीडियो में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा, जिन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि गाइस इस वीडियो में कुछ पीएनजीज हैं जिसको गाइस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि आपको कैसे लगाना है, क्योंकि गाइस इसमें क्या है थोड़े कलर भी चेंज करने हैं पीएनजी के तहत, उसके हिसाब से आपको एडिटिंग करनी है। तो गाइस आप वाले स्टेप ध्यान से देखना, क्योंकि गाइस कई बार क्या होता है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वीडियो को थंबनेल देख लेते हैं एंड गाइस जाते हैं बैकग्राउंड पीएनजी डाउनलोड करते हैं एंड उसके बाद एडिटिंग स्टार्ट कर देते हैं एंड उसके बाद एडिटिंग करते वक्त यार उन्हें फिर कुछ समझ नहीं आता एंड गाइस वो सोचते हैं यार फेक वीडियो बनाई है। तो गाइस आप लोग पहले ध्यान से देखना वीडियो, उसके बाद यार आप एडिटिंग करने जाना। सो गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देन गाइस जाना आपको ऐड फोटो में, गाइस यहाँ से ऐड करना आपको अपने मॉडल को। एंड गाइस मॉडल को ऐड करने के बाद गाइस कुछ स्टेप्स आपको अपने मॉडल को रखना है। एंड गाइस इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रोटेट करूँगा, तो यहाँ पर हम जाएंगे फ्लिप रोटेट में। एंड फ्लिप रोटेट में जाकर हम इसको थर्ड वाला ऑप्शन लेके इसको इस साइड में रख देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको हम कुछ स्टेप्स इतना साइज रख के एंड इसको हम इजीली यहाँ पे क्या करेंगे, आप सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डन कर देंगे। ठीक है, सो इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है अगेन एड फोटो में। एंड एड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना है ये फ्लैग का पीएनजी। सो इसको हम ऐड कर लेते हैं एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ स्टाइल पे साइज रखना है। एंड यहाँ पर साइज रखने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस आपको उसकी ओपेसिटी जो है कम कर लेना, जाके कहीं जो भी रेज करने में हमें थोड़ा आसानी हो तो उसके लिए हम यहाँ पे ओपेसिटी कम रखेंगे। तो पहले मैं इसका साइज़ पहले एडजस्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे ओपेसिटी कम कर लेते हैं एंड उसके बाद इरेजर टूल में जाएंगे, यहाँ पे इरेजर सेलेक्ट करेंगे, हार्डनेस फुल करेंगे, साइज छोटा करेंगे एंड यहाँ से फटाफट इसको इरेज करेंगे। सो गाइस इतना परफेक्ट है। अब क्या करेंगे गाइस यहाँ पे हम, अब इसको हम यहाँ पे डन तो कर दिया हमने, अब इसको हम क्या करेंगे, अब जाएंगे यहाँ से ऐड फोटो में दोबारा से। सो यहाँ से ऐड फोटो में जाएंगे एंड यहाँ से ऐड करेंगे हम कुछ पीएनजीस लाइट के, सो इसको हम ऐड कर लेते हैं एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे देखिए येलो कलर है, अब हमें इसे ऑरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम इसे ब्लेंडिंग मोड इसका स्क्रीन कर लेते हैं एंड इसको पहले हमारे फेस की तरफ ले जाते हैं। तो गाइस देखिए अभी ये तो कलर लग रहा है हमें येलो, ठीक है, तो बट येलो है ही लग नहीं रहेगा, येलो ही है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको करना हमें ऑरेंज। ठीक है, तो जैसे कि हमारे बैकग्राउंड में जो ऑरेंज कलर है, तो पहले हम इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं एंड इसको हम यहाँ पे कुछ साइड में भी रख लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे इसका कलर चेंज करने के लिए आपको जाना है ह्यू में। ठीक है, मतलब सॉरी, पहले एडजस्ट में जाना पड़ेगा, फिर आपको ह्यू में जाना पड़ेगा, फिर आपको उसको नीचे की तरफ लाना है। ठीक है, एंड नीचे की तरफ लाओगे तो यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर दिख जाएगा, तो कुछ स्टेप्स आपको उसका साइज इंक्रीज़ कर देना है एंड उसके बाद आपको सेम वही करना है, दूसरे वाले में भी यही करना है, आपको दूसरे वाले को सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको पहले मतलब उसको हटा दो, आप इसका डुप्लीकेट कर लो एंड इसको यहाँ पे रख लो कुछ स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो गया। अब हमें गाइस नीचे ग्रीन कलर भी है, तो अब ग्रीन भी करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डुप्लीकेट बनाएंगे एंड इसको यहाँ पे ले जाएंगे एंड उसके बाद आपको सेम चीज़ वही करनी है, आपको जाना दोबारा एडजस्ट में एंड यहाँ से आप सभी को ह्यू में जाना है एंड उसके बाद आपको उसको ऊपर की तरफ ले जाना है, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली ये करना है एंड यहाँ पे इसका डुप्लीकेट कर लेना है एक और। सो इसको हम साइज इंक्रीज़ कर लेते हैं एंड डुप्लीकेट करके एंड इसको हम साइड में भी रख देंगे, तो गाइस एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे इतना हमारा हो चुका है। ठीक है, तो अब इसको करने के बाद आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इसको कर देना है डन। अब गाइस यहाँ पे आपका एक काम हो रहा था, आपको लेना है कि स्मोक का पीएनजी, तो हम जाएंगे ऐड फोटो में, मतलब स्मोक नहीं, पहले लाइट लगाएंगे फिर स्मोक का लेंगे, पहले लाइट लगा लेते हैं एंड उसको स्क्रीन कर लेते हैं एंड उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स ऐसे रखना है एंड उसके बाद यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आपको फिर एक डुप्लीकेट बनाना है इसका भी एंड इसको वाले साइड में एंड यहाँ पे इतना गाइस परफेक्ट है। ठीक है, तो इतना हो गया, अब हम इसको यहाँ पे सिंपली डन कर सकते हैं, तो उसको हम डन कर लेते हैं, सो एकदम परफेक्ट है। अब इसे डन करते हैं हम एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है ऐड फोटो में वापस से एंड यहाँ से आपको अब ऐड करना है स्मोक का पीएनजी, तो उसको हम यहाँ से ले लेते हैं एंड इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके यहाँ पे इसको कर लेते हैं पहले हम स्क्रीन एंड उसको साइज इंक्रीज करके एंड कुछ स्टेप्स हम यहाँ पे स्मोक को लगा देंगे। ठीक है, तो इतना परफेक्ट है। अब यहाँ पे इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी इस फोटो को डन कर देना है। अब गाइस यहाँ पे हमारा पिक्सआर्ट का जो है सारा काम हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने इस फोटो को यहाँ पे सेव करेंगे एंड इसको लेके चलेंगे लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में, आपको गाइस यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, आपको उसको कॉन्ट्रास्ट कम करना है, हाईलाइट मिलेगा, हाईलाइट जो है इसको थोड़ा इंक्रीज़ करना है एंड जो शेडो है इसको थोड़ा बढ़ाना है
ठीक है। एंड इसके बाद आपको मिला वाइट, आपको वाइट माइनस करना है थोड़ा सा, एंड जो ब्लैक है यहाँ पे नीचे आप उसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको भी कम कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको जाना है कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको फिगर करना है, आपको यहाँ पे गाइस थोड़ा सा इसका जो वाइब्रेशन है इसको बढ़ाना है, फोटो का जो थोड़ा टेम्परेचर है इसको कम करना है, एंड जाना है आपको फिर कलर मिक्स में। कलर मिक्स में जाने के बाद आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है, ल्यूमिनस थोड़ा इंक्रीज़ करना है। फिर आपको ग्रीन कलर में जाना है, इसका ह्यू जो है आपको यहाँ पे प्लस करना है, एंड उसको डार्क ब्लू में जाना है, इसका सैचुरेशन आपको माइनस कर देना है अगर आपको ब्लू कलर नहीं चाहिए हो तो। फिर उसके बाद आपको कर देना है डन। फिर इतना कर देने के बाद आपको जाना है नीचे वाले टूल में, आपको हमें फोटो की क्लियरिटी बढ़ाना है, फोटो में जो हल्का सा विग्नेट डाल देना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, आपको हमें मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको बस सिंपली ग्रेन अमाउंट बढ़ाना है, एंड जाना नीचे वाले टूल में, एंड यहाँ पर गाइस आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में थोड़ा नॉइज़ रिडक्शन डालना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नॉइज़ रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। सो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस मैं आपको कहता हूँ बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, तो बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं, इन दोनों में से कोई भी एक वीडियो पर क्लिक करके मेरी कोई भी वीडियो को वॉच करो, या फिर अगर आप मेरी कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल के लोगों पर क्लिक करके वहाँ जाकर कोई भी वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।